बीजेपी छोड़कर आए इस कांग्रेस उम्मीदवार ने किया बड़ा खुलासा, बताया क्यों चंबल छोड़ भागे बीडी शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भिंड विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जिन चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वे बीजेपी छोड़कर हाल ही में कांग्रेस में वापस आए हैं। कांग्रेस से टिकट मिल जाने के बाद उन्होंने जमकर बीजेपी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। चौधरी राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी के अंदर बड़े नेताओं को बेइज्जत किया जाता है। केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, वह सिर्फ इसलिए कि इनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाए और बड़े बेइज्जत होकर ये लाइन से हटें। चुनाव हारने के बाद से ही चौधरी राकेश सिंह बीजेपी में साइडलाइन हो गए थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई और तब से ही ये संभावनाएं जताई जा रही थीं कि कांग्रेस चौधरी राकेश सिंह को चुनाव लड़वाएगी, और अब कांग्रेस ने उनको भिंड विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। चौधरी राकेश सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। मुरैना से भाग कर गए वीडी शर्मा बुंदेलखंड। चौधरी राकेश सिंह ने कहा कि वीडी शर्मा मुरैना के रहने वाले हैं और उनकी राजनीति ग्वालियर चंबल में रही है, लेकिन वे मुरैना को छोड़कर बुंदेलखंड भाग गए। वीडी शर्मा बताएं कि उनको मुरैना छोड़कर खजुराहो क्यों जाना पड़ा, क्यों उनको अपना गृहनगर छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपनी राजनीति चमकानी पड़ी। जाहिर है कि वीडी शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उनको याद किया जाए, और यही वजह है कि उनका विरोध भी पार्टी के अंदर काफी है। मौजूदा विधायक संजीव कुशवाहा को लेकर चौधरी राकेश सिंह ने कहा कि संजीव कुशवाहा बिना वजह ही रो रहे हैं कि बीजेपी ने उनके पीठ में छुरा भोंका है। बीजेपी ने उनके पिता की पीठ में भी छुरा भोंका था। बीजेपी अपने नेताओं के साथ इसी तरह से बर्ताव करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।